मेरे बच्चों आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि किन किन बच्चों को पेमेंट करना है, ये बात हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि तीन तरह के बच्चे जो है वो 500 रुपए पेमेंट करेंगे। जिन बच्चों ने पिछले काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था वो बच्चे रजिस्ट्रेशन भी करेंगे पहले और फिर पेमेंट करेंगे, और ऐसे बच्चे जो अपनी सीट को अपग्रेड कराने वाले हैं वो सिर्फ पेमेंट करेंगे, और वो बच्चे जिन्होंने लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करा लिया था यानी कि जिन्होंने पहली काउंसलिंग करवाई है लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला है वो बच्चे भी, यानी कि दो टाइप के जो बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम में रजिस्ट्रेशन कराया था और उनको कुछ भी नहीं मिला है वो लोग सिर्फ पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर यूपी गाइड की वेबसाइट पे चलते हैं। इसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस है वो हम एक एक करके बच्चों देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप जब इस तरह की वेबसाइट को खोलेंगे तो यहीं पर लिखकर आ जाएगा क्लिक हियर और सबमिट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, ऐसे खुलकर आ जाएगा, तो या तो आप यहां से कर लीजिए। अगर आप यहां से करते हैं तो एक ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा, सीधा का सीधा आपका फीस पेमेंट का पेज आ जाएगा। ठीक, अगर आप ऐसे इसको नहीं करते हो बच्चों तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पर आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट रजिस्ट्रेशन फीस फॉर काउंसलिंग। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट है कि सबमिट रजिस्ट्रेशन फीस फॉर काउंसलिंग, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो भी वही पेज खुलकर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे करना है, ये वाला प्रोसेस किनको किनको करना है एक बार समझ लीजिएगा। कि एक बार फिर से बैंक जा रहे हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर बच्चों आपको नया रजिस्ट्रेशन देखिए यहाँ पर लिखा है चौथे नंबर पर 1 2 3 3, तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है बच्चों न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट जो है वो उनको नया रजिस्ट्रेशन करना है बच्चों यहाँ पर, कि जो बच्चे यहाँ पर बच्चों नया रजिस्ट्रेशन सिर्फ उनको करना है जो बच्चे पहली काउंसलिंग नहीं कराए हैं। ठीक है, और पांचवें नंबर पर उनको जाना है, रजिस्ट्रेशन की फीस उनको भरनी है जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला हुआ है फॉर्म को और जिनको पहली बार में कुछ नहीं मिला है। ठीक है, तो आइए यहां पर हमने ये कर दिया, 12 22 07 रोल नंबर है, और इसके अलावा यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एक बार हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं, स्टूडेंट का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। आप सभी लोग अपना अपना इसी तरह से पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 21 तारीख है बच्चों, आप सबको पता है पेमेंट करने की लास्ट डेट। ठीक है, चलिए इस तरह का खुलकर आ जाएगा बच्चों यहां पर। अब देखिए यहां पर जो डिटेल है वो डिटेल डालनी है यहां पर एक बार। ठीक है, डिटेल आप सब लोग अपनी अपनी डिटेल जो है वो डाल लीजिएगा। चाहे आप खुद से मोबाइल से कर लीजिएगा या फिर आप कैफे भी जाके आप करा सकते हो। ठीक है, यहां पर वही चीज डालनी है, और यहां पर जो आपका है, यहां पर बहुत सारे बच्चे ये कॉल करते हैं कि रिमार्क में क्या भरें, यहां पर रिमार्क में क्या भरें, यहां पर कुछ ना भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक, यहां पर वही कोड डालना है, ये कोड आपका ये बगल में लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, वही कोड बच्चों यहां पर जो है वो हम लिख रहे हैं, आपको यही कोड सेम टू सेम बगल में लिखा हुआ दिख भी रहा है ना, यही वाला जो कोड है वो हमने यहाँ पर ये वाला जो कोड है बच्चों ये हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक, अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों, ये सबमिट कर देंगे, एक बार इन्फॉर्मेशन देख लेंगे कि ये विकास वर्मा बच्चे का ही है और इन्होंने यूजी में है, पीसीएम है, रैंक इनकी है और सारी चीजें जो भी है बच्चों वही है। तो यहां पर हमने इसको सबमिट कर दिया, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई। अब यहां पर देखिए हमने कंफर्म कर दिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दे रहा है, नेट बैंकिंग मुझे करनी नहीं है। कार्ड का पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है बच्चों, सिर्फ एक ही कार्ड खुलकर आ रहा है, प्रीपेड कार्ड है ना, प्रीपेड कार्ड, तो इसी कार्ड से अदर में कुछ भी नहीं खुल के आ रहा है। बहुत सारे बच्चे यूपीआई का वेट कर रहे थे तो यूपीआई भी नहीं आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर जो हम कार्ड से पेमेंट करेंगे तो ये जो ये प्रीपेड वाला ऑप्शन है इस पे हम करेंगे, 12 रुपए ज्यादा कटेंगे यानी 512 रुपए 98 पैसे कटेंगे हमारे। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया, और अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा पैसा लेकर आ जाएगा कि इतना पैसा आपका ये कटने वाला है। कार्ड नंबर यहाँ पर बच्चों हम अपना डाल देंगे, और आप सभी लोग अपने अगर कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आप सभी लोग अपना अपना कार्ड नंबर यहां पर डालिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर बच्चों, बाकी का प्रोसेस देखते हैं आगे कैसे क्या है। उम्मीद है आप सभी लोग अपना अपना पेमेंट कर चुके होंगे, है ना। जिन बच्चों ने अब तक पेमेंट नहीं किया है, जो बच्चे वेट कर रहे हैं, वो सभी लोग जो है वो इस वीडियो को देखकर जो है अपना करें, अपना कार्ड नंबर डाल के
ठीक है, अपना डिटेल वो डाल के पेमेंट अपना कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहां पर ये कोड आप जो है बगल में ये कोड जो है ये यहां पर डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये करने के बाद बच्चों आपके पास एक ओटीपी जाएगा, आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को आपको यहां पर डालना होगा। ओटीपी डाल के फिर आप क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। तो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं बच्चों कि जो हमने बताया, जैसा कि अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो भी आपको पेमेंट करना है 500 रुपए, तभी आप क्या कर पाएंगे आगे, डॉक्यूमेंट अपलोड किनको किनको करना है ये चीज देखने वाली है बच्चों, क्योंकि हमारे पास उन स्टूडेंट्स की डिटेल नहीं है अभी। बहुत सारे बच्चे लगभग कॉल करते हैं लेकिन उनसे डिटेल अभी नहीं मांगी है हमने, कि जो बच्चे जिनको पहली बार में कुछ नहीं मिला है उनका भी एक वीडियो बना के अगर हो सकेगा हम तो आपको बता देंगे, और ऐसे बच्चों को भी बता देंगे जिन्होंने पहली बार में भरा ही नहीं है फॉर्म। ठीक है, तो सबको पता है कि ऑफलाइन जो बैच है कानपुर में, जिनका अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है बच्चों, तो मात्र 6 महीने बचे हैं, आप सभी लोग जो है वो ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए आके। हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेज आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, क्लास लगभग चल रही है, और उसी में बिजी होने के कारण भी ये वीडियो हमें आपको पहले ही देना चाहिए था लेकिन हम आपको नहीं दे पाए। ठीक है, तो उसी ऑफलाइन बैच में ही बिजी थे इस वजह से आपको नहीं दिया जा सका। आगे जो भी इसके वीडियो होंगे, चाहे वो चॉइस फिलिंग का वीडियो हो, 24 तारीख और 25 तारीख को आप सबकी चॉइस फिलिंग होनी है बच्चों, तो आप सभी लोग परेशान मत होइएगा, जो भी चॉइस फिलिंग का वीडियो होगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। 24 तारीख को ही वीडियो बना देंगे, सुबह सुबह जल्दी बना देंगे 8 बजे के आसपास, कि कैसे क्या चॉइस फिल करनी होगी, किस रैंक से किस रैंक के बच्चों को चॉइस फिल करनी होगी, और जिन बच्चों की कम है रैंक, मान लीजिए उनकी रैंक 1000 के अंदर है बच्चों और या फिर 1500 के अंदर है, तो आप लोग एक बार कॉल करके 9793900888 पर, 9793900888 पर कॉल करके तिवारी सर से बात जरूर कर लीजिएगा कि सर हमें चॉइस फिलिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी को ऊपर रखना चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी को नीचे रखना चाहिए, उसी के हिसाब से अपनी आप चॉइस फिलिंग करिएगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चों अभी हम ओटीपी डाल दिए हैं, ओटीपी डालने के बाद हमने इसको सबमिट कर दिया है, ये सबमिट का बटन था, यहां से हमने इसको सबमिट कर दिया है। अब देख लेते हैं आगे ये क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए लेकर आ गया है बच्चों पेमेंट डन सक्सेसफुली ऑन 20 तारीख को, जो है वो हमने पेमेंट डन करा दिया है। अब ये जो है वो यहां पर क्लिक हियर टू डाउनलोड द ई रिसिप्ट, ठीक है, तो ये ई रिसिप्ट जो है ये हम यहां पर डाउनलोड कर लेंगे, वैसे इसकी कोई जरूरत है नहीं लेकिन हमने पेमेंट किया है तो एक बार हम इसको सेव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेस्कटॉप पे जो है वो हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक, आगे देखेंगे, अब यहां पर रिटर्न टू स्टेट बैंक कलेक्ट होम पेज, ठीक है, रिटर्न कर सकते हैं यहां से, पूरा का पूरा जो भी है वो पेमेंट कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बार बच्चों हम वापस से यूपी कैडेट की वेबसाइट पे जाएंगे, यूपी कैडेट की वेबसाइट पे जाने के बाद एक बार हम लॉग इन करने की कोशिश करेंगे कि लॉग इन फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, कि लॉग इन करने में क्या तुरंत हमें कुछ दिखाता है या फिर नहीं दिखाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो लगातार कॉल कर रहे थे तो वो ये बोल रहे थे कि सर हमें वहां पे कुछ दिखा नहीं रहा है, तो क्या होगा हमारा आगे का प्रोसेस, कैसे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए मुझे लगा था कि आप सब लोग पेमेंट कर लोगे बच्चों, इस वजह से थोड़ा सा और भी लेट हुआ, तो अभी लिख कर आ रहा है बच्चों यू हैव नॉट डन योर करंट पेमेंट, तो हमने पेमेंट तो लेकिन अभी अभी कर दिया है, 20 तारीख है आज, मुझे 24 घंटे के बाद बच्चों चेक करना होगा इसको खोल के कि हमें आगे का ऑप्शन क्या दे रहा है। ठीक है, हमने पेमेंट कर दिया है लेकिन 24 घंटे के बाद जो है वो हमको यहाँ पर इसको ओपन करके देखना होगा कि आगे का क्या ऑप्शन देता है। अगर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है ये विकास वर्मा काम कर रहे हैं और इनका एडमिशन हो चुका है, इन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था और हमने तभी इनका पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है आपको याद रखना है, 24 घंटे के बाद आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, पेमेंट करने के बाद किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है कि विकास वर्मा का जो आगे का सिस्टम है, आगे का जो प्रोसेस है वो सिर्फ 23 तारीख या 24 तारीख को खुले, क्योंकि विकास वर्मा के डॉक्यूमेंट अपलोडेड है, जो भी बच्चे अपग्रेडिंग के लिए अप्लाई किए थे उन सबके डॉक्यूमेंट अपलोड है। ठीक
ठीक है, हो सकता है कि सीधा चॉइस फिलिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो बाकी बच्चे थे जिन्होंने पहली काउंसलिंग नहीं कराई थी, उनके में सब कुछ ओपन होता रहेगा, वो पुराने वीडियो देख के भी उससे सीख सकते हैं और वैसा ही प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक। और जिनका चॉइस फिलिंग नहीं हुई है उनके लिए हमने बता दिया, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिनको इस काउंसलिंग में भी कुछ नहीं मिलता, याद रखिएगा तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप सब लोग, बहुत ही कम फीस रखी गई है बच्चों, आपको वीडियो के माध्यम से बताया जा चुका है इस बारे में कंप्लीट कैसे यहाँ पर पढ़ाई होती है। बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, तो उनके माध्यम से अगर आपके दोस्त हैं जो भी आए हुए हैं यहाँ पर, तो आप उनसे बातचीत करके ये जान सकते हैं कि कैसी पढ़ाई यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ख्याल रखिए बच्चों अपना, और आगे के जो भी इसका जो भी प्रोसेस होगा उसके बारे में फिर आपको बच्चों इन्फॉर्मेशन जो है वो हम देते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।